ऑपरेशन क्रीमिया कितना खतरनाक है, डोनेस में कौन भारी है, भीषण युद्ध का हर अपडेट देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन में। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना आक्रामक दिख रही है। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने विध्वंसक हमला किया है। साउथ यूक्रेन में रूसी ठिकानों को ट्रेस कर जंगल में छिपे हथियारों को ध्वस्त कर दिया गया है। जोरदार हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ है। यस्लो डोनेट्स के वॉरफ्रंट पर रूस की ग्राउंड फोर्स ने यूक्रेन के सैनिकों को घेरा हुआ है। बख्तरबंद वाहनों को वॉरफ्रंट पर रखकर रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के किलाबंदी को तोड़ने में जुटे हैं। इस बीच यूक्रेन के कई मिलिट्री पोस्ट तहस नहस हुए हैं। रूस यूक्रेन में खूनी जंग जारी है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेनी सेना कहर बरपा रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने 155 एमएम सेल्फ प्रोपेल्ड गन से ताबड़तोड़ हमला बोला। विध्वंसक प्रहार से रूसी ठिकाना ध्वस्त हो गया। जंगी मैदान में रूसी टॉर्नेडो एस ने कहर बरपाया है। रूसी सेना के ठिकानों पर बारूदी बौछार की। रूसी टॉर्नेडो एस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर ध्वस्त कर दिया। इस हमले में भारी मात्रा में गोला बारूद नष्ट हो गया। बैटल ग्राउंड से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। काउंटर ऑफेंसिव के दौरान यूक्रेनी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। फायरिंग के दौरान रूसी सेना ने आर्टिलरी अटैक कर दिया। यूक्रेनी बेस पर मौजूद सैनिकों में हड़कंप मच गया। डोनेस पर कब्जे को लेकर आर पार की लड़ाई जारी है। रूसी कब्जे वाले डोनेस पर यूक्रेन ने बारूदी बौछार किया। यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी हथियार डिपो पर प्रहार किया। इस विध्वंसक हमले में रूसी गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। रूस की एयरबर्न फोर्स ने खार्किव में भीषण हमले को अंजाम दिया। KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलें दागी गयी। इस बमबारी में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए तो कई बख्तरबंद वाहन भी ध्वस्त हुए। खार्किव में रूस की रॉकेट फोर्स और ड्रोन फ्लीट ने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। रूसी फोर्स ने खार्किव के कई सामरिक ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूस के हमलों से खार्किव की गैस पाइपलाइन डैमेज हुई है। हमलों के बाद गैस पाइपलाइन से आग की लपटें उठती दिखी। रूस ने एक बार फिर क्रीमिया पर जबरदस्त हमला बोला है। रात के अंधेरे में यूक्रेन ने भारी बमबारी कर रेल ट्रैक को उड़ा दिया। इस हमले में फियोदोसिया रेल ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हमले के बाद ट्रेन की आवाजाही भी बाधित हुई है।